तो भाई कॉफी का नाम सुन के ना जो मेरे अंदर एक्साइटमेंट है ना और एनर्जी है वो बिल्कुल भरपूर आ जाती है। तो आज हमने गाड़ी लगाई है पश्चिम विहार मार्केट में। गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आशीष एंड यू वॉच मी ऑन हांजी। सो दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कॉफी का स्टॉल लगाया है जो देखने में बहुत ही अमेजिंग है और इनकी कॉफी भी बहुत ही अमेजिंग है। तो ये चलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी कॉफी का जायका आप तक लेके आते हैं। तो व्हाट्स योर नेम? अदिति। और इसका नाम क्या है? कॉफी कला। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कॉफी कला? या एक्चुअली मी एंड माय पार्टनर राहुल, हम दोनों बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एंथुजियास्ट हैं थे। तो स्कूल के बाद हमने तभी से ही रिसर्च स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज हम जहाँ भी जाते थे पहली बात बहुत महंगी कॉफ़ी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली यू डोंट मीट योर टेस्ट समहाउ। ऐसा होता है कि वो बस दे देते हैं, जस्ट मेक इट, एंड आप अपने टेस्ट को मीट नहीं कर पाते हो। तो वी स्टार्टेड विद द आइडिया कि जो भी यहाँ आता है फ्रॉम ब्लैक कॉफ़ी टू मीठी से मीठी कॉफ़ी, यू कैन मेक एनी थिंग। कितना टाइम हो गया? ओके, हमने रिसर्च स्टार्ट कर दी थी 2018 में। या तो क्योंकि बहुत सीखना पड़ता है बीन्स के लिए, पढ़ना पड़ता है, तो हमने बेसिकली इंडियन ब्लेंड निकाला कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी के लिए, या दिस इज़ परफेक्ट फॉर इंडियन टेस्ट। फिर हम जो हम ब्लैक कॉफ़ी सर्व करते हैं हम इंडियन बीन्स यूज़ करते हैं, सुप्रीम अच्छे इंडियन बीन्स, स्पेशलिटी बीन्स। तो बस वहीं से फिर धीरे 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 स्टार्ट करते हुए अब हम यहाँ हमने इसे रखा पिछले साल। तो कॉफ़ी कला, व्हाट अ यूनिक नेम, कैसे आया ये आइडिया? या क्योंकि हम लोग कला एक्चुअली इसलिए अराइव हुआ क्योंकि हम बहुत कुछ करते थे। आप अगर मेन्यू में देखेंगे तो वन पेज ओनली फॉर कॉफ़ी लवर्स, कि उसमें ना मिल्क है ना आइसक्रीम है, जस्ट डिफरेंट बेसिस, किसी में रेड ऑरेंज जूस है, किसी में टॉनिक वाटर है, किसी में बस डार्क चॉकलेट है और एस्प्रेसो है। सो बहुत डिफरेंट कॉफ़ीज। सो वी स्टार्टेड विद द थॉट कि यार वी आर डूइंग लॉट ऑफ कला, सो वी पुट कला इन इट, एंड द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ कॉफ़ी COFE सिग्निफाइज अ मिसिंग कल्चर वो है, बट दिस इज़ प्रॉपर ऑर्गेनिक रियल कॉफ़ी जिसकी प्लांटेशन होती है, बीन्स होते हैं कॉफ़ी बीन्स की, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, लाइक यू नो आम बहुत सारे तरीके के होते हैं। वैसे लोगों को एक्चुअली अभी उतना नहीं पता है, हमें भी नहीं पता था, हम वी स्टडीड अलॉट कि या बीन्स भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, लाइक वी सर्व फिल्टर कॉफ़ी विद मैसूर नगेट्स, पी बेरी, मालाबार, दिस इज़ अ डिफरेंट मालाबार आर बीन्स जो जनरल क्रॉप हुई और अरेबिका की, देन उनको मिट्टी में समुद्र के किनारे उनको धूप में ऐसे बिछा दिया जाता है, सो दे गेट दैट अर्दी टेस्ट। देन मैसूर नगेट्स, यू नो आप पियोगे तो यू विल गेट दैट पिंच ऑफ एसेंस ऑफ स्पाइसेस वाली फीलिंग आएगी। पी बेरी आर बीन्स, लाइक जब दो चेरीज फ्यूज हो जाते हैं तो दैट टेस्ट लाइक प्रॉपर बेरी, यू नो सिट्रस फ्लेवर। तो फिलहाल जितना भी कुछ बताया गया मुझे वो मेरे यहाँ से निकल गया, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे समझ में आ गया कि मतलब इसमें बहुत अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा तब पता लगेगा। या पीने के लिए नहीं करना पड़ेगा, विल टेल यू कि कैसे पीना है। पीने के लिए बिल्कुल रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। मिनिमम रेंज क्या है आपके यहाँ और मैक्सिमम रेंज क्या है? फॉर कोल्ड कॉफीज इट स्टार्ट्स विद 100 टू 180, फॉर हॉट कॉफी एस्प्रेसो स्टार्ट्स विद 60 एंड टू हॉट इट्स 130। सो कितने बजे से कितने बजे तक? एक्चुअली वी टू आर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम सुबह पहले कॉलेज आते हैं फिर हम शाम को यहाँ आते हैं 5 बजे। राहुल एंड मी हम लोग मैनेज करते हैं समहाउ, 5 बजे आते हैं फिर रात को 10:30-11 बजे तक। ये आइडिया किसने दिया था? यार आइडिया ना बिलीव मी सिचुएशंस के साथ आए। हमने तो सोचा था हम सीधा कैफे खड़ा करेंगे, दैट भी पता चला बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। क्योंकि हमें पता था मतलब इंडियन टेस्ट हम मीट करा देंगे, क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ एक्चुअली कॉफ़ी के इस टेस्ट से इस टेस्ट तक सब है, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम रियली कड़वा टू बहुत मीठा सब है। तो हम लोग का था कि यार हम जहाँ खड़े होंगे हम कॉफ़ी बेच देंगे,
तो हमने सोचा यार रेडी खड़ी कर देंगे तो कोई पिएगा नहीं आके उसमें लगेगा कि इंस्टेंट कॉफी या जनरली दूध में घोल के दे रहे हैं। तो हमने सोचा कुछ इलैबोरेट करते हैं, फिर खुद हमने इसका इंटीरियर डिजाइनर हमें आर्किटेक्चर हमें सब हमें यहाँ पे। तो या लोग पहले देखने के लिए आते हैं फिर वी टेल देम कि यार बहुत अच्छी कॉफी है लेट इट बी। तो लोग पहले से देख के आते हैं यू कैन से। तो हम क्या ट्राई कर रहे हैं क्योंकि मुझे कॉफी के बारे में कुछ नहीं पता, आई एम मच ऑफ लाइक टी लवर, तो चाय बहुत सारी वैरायटी। सो यू वांट टू हैव हॉट और कोल्ड? आई वांट टू हैव लाइक हॉट। ओके आई विल गिव यू कोकोआ हेज़लनट, दैट्स अ डार्क चॉकलेट एंड हेज़लनट बोथ। ओके सो दिस इज हेज़लनट लाटे। तो इसमें ऑलरेडी क्या है मिल्क और ये रहा इसका शॉट। यस इसको स्टीम करें ताकि ये गर्म हो जाए। यस कि लाते ही सॉर्ट ऑफ कॉफी। या लाते ही सॉर्ट ऑफ कॉफी, देयर आर डिफरेंट कॉफीज लाइक लाते कैपेचिनो, एक्चुअली लाते कैपेचिनो मकियातो इन सब में फ्रॉथ का डिफरेंस है। लाइक मकियातो कंटेन्स ओनली फ्रॉथ, कैपेचिनो कंटेन्स मच ऑफ फ्रॉथ, लाते कंटेन्स लेस ऑफ फ्रॉथ मोर ऑफ मिल्क। This goes like this. बहुत confusing है। Better है कि हम यहाँ पर आके आराम से कॉफी पी लें और टेंशन ना लें। Yeah. Can I leave it to the experts? बस भाई। इसमें आप कौन सा सिरप जा रही है? This is hazelnut. Again hazelnut. Yeah. Actually our specialty is mint cocoa. मतलब that is way different. Mint cocoa. Yeah. Like mint, dark chocolate. And coffee. So ये कौन सी तैयार? This is hazelnut. This is hazelnut coffee hot. Yeah. Pure good coffee. Honey sugar. Yeah. चाय वालों के लिए बहुत difficult है। नहीं नहीं इसलिए हम लोग ना खुद ऐड नहीं करते क्योंकि यार हमें नहीं पता कौन कितना शुगर पी सकता है। Right. तो हम छोड़ देते हैं, आप शुगर लो और अपने हिसाब से डालो, that's better. Yes. अब ये मेरे टाइप का, एंड दिस इज एक्चुअली गुड, जो उसका फ्रेग्रेंस आ रहा है ना पीते वक्त। सो ये है कोकोआ हेजलनट हॉट कॉफी एंड दिस इज लाइक हेजलनट कोल्ड कॉफी, और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पी चुका हूँ मैं। सो बेसिकली जब आप इसे पीने जाओगे ना, वो जो एक कॉफी का फ्रेग्रेंस होता है ना, दी ओरिजिनल व्यू, वो सबसे पहले हिट करेगा आपको एंड इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग। और जो उसका टेस्ट है ना, यू कैन डाई फॉर दिस टेस्ट। बहुत कम मार्केट में आपको इस टेस्ट की कॉफी मिलती है। ऑर्डरिंग कोल्ड स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। इसलिए जो कॉफी का फ्लेवर होता है ना, इट्स लाइक दैट हिट्स यू इन अ वेरी परफेक्ट वे। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, ये दिस इज लाइक परफेक्ट परफेक्ट। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लाइक कोल्ड कॉफ़ी, मैं ज़्यादातर हॉट कॉफ़ी पीता हूँ, बट अगर मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी होगी, आई स्वेयर मैं नेक्स्ट टाइम कॉफ़ी कला आके ही पीऊँगा, मैं और कहीं नहीं जा रहा। दिस इज लाइक परफेक्ट, और कोई वर्ड नहीं है इसके लिए, दिस इज अमेजिंग एंड परफेक्ट। तो भाई हम ये कॉफ़ी कर रहे हैं ख़त्म, और अगर आपको भी इतनी अमेजिंग कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी पीनी है, तो प्लीज़ यहाँ कॉफ़ी कला आएँ और यहाँ का जायका टेस्ट करें। बहुत ही डिफरेंट कॉफ़ी का जायका यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप करिए सब्सक्राइब, आप करिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक हम लोग और कोई स्टॉल देखते हैं और वहाँ का जायका आप तक पहुँचाते हैं। तो हमने लिया है इनका ये ट्रेजर बॉक्स, जिसमें लिखा हुआ कॉफ़ी कलर ट्रेजर बॉक्स, और टैगलाइन है व्हाट दिस बॉक्स होल्ड्स विल चेंज द वे यू ड्रिंक कॉफ़ी। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या है। सो इसमें काफ़ी सारे सैशे हैं एंड इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो फॉर हॉट ब्रू इसमें मेंशनड है कि कैसे कैसे बनेगा, एंड फॉर कोल्ड ब्रू भी इट इज़ लाइक क्लियरली मेंशन कि आपको कैसे कैसे इसको बनाना है। सो एक बेसिक चीज़ जो इन्होंने हमें बताई है वो ये है कि जब आप दूध उबाल रहे होगे या पानी गर्म करोगे,
तब आपको उसको नहीं डालना है, आपको उसको बाद में ऐड करना है, अदरवाइज वो आपको थोड़ा हैसल भी कर सकती है। तो आप यहाँ पर आएँ और ख़रीदें और फिर हमें बताएं आपको कैसा लगा। तो